हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी। आज हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक एनपीएस प्रोग्राम जिसका नाम है एनपीएस वात्सल्य स्कीम, उसे लॉन्च किया है, है ना। आपको पता है कि न्यू पेंशन स्कीम जो है यूनियन बजट में इसको अनाउंस किया गया था। तो एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम जो वात्सल्य है उसके उसके अंदर बच्चों के लिए एक एनपीएस स्कीम लाया गया है, है ना। न्यू पेंशन स्कीम लाया गया है जिसमें जो माइनर्स होंगे यानी 18 साल से नीचे के जो बच्चे होंगे उनके पेरेंट्स और गार्जियंस, है ना, चिल्ड्रेंस के अर्ली ईयर से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके लिए 1000 मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा अकाउंट ओपन करने के लिए, और हर साल 1000 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करना होगा, है ना, 18 साल तक। और 18 साल के बाद ये जो अकाउंट है एनपीएस वात्सल जो अकाउंट होगा यानी बच्चों के लिए माइनर्स के लिए, वो नॉर्मल नेशनल पेंशन सिस्टम के अकाउंट के तहत वो ट्रांसफ़र हो जाएगा।